हेलो दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ, सारा इंडिया में अगर आपका पैसा फंसा है तो पैसा वापस कैसे मिलेगा। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आवेदन करना है, कितने दिन में आपका पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर सारा इंडिया में पैसे जमा करते थे और इसका बीच में कंपनी ने बंद कर दिया, जैसे कि आपका पैसा फंस गया है तो कैसे मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दें कि सारा के 10 करोड़ निवेश के मंगलवार को जुलाई 18, 2023 को बहुत ही महत्वपूर्ण इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत के बाद सारा निवेश अपने पैसे का दावा कर सकते हैं और रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो दोस्तों, जैसे कि ये केंद्रीय जो मंत्री है वो अपना फर्स्ट न्यू पोर्टल लॉन्च किया है जिसे सारा रिफंड पोर्टल बोलते हैं, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं सारा रिफंड पोर्टल। ठीक है, तो ये केंद्रीय जो मंत्री है वो लॉन्च किया है इसमें 18 तारीख को, और इसमें आप अपने आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, इसमें जो प्रोसेस है, अगर आप भी सारा में पैसे रखते हैं जिसे और पैसा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और इसके लिए लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सारा केंद्रीय जो रजिस्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सारा इंडिया निवेश के लगभग 500 करोड़ रुपए की रिफंडिंग की घोषणा की है। ठीक है, 500 करोड़ की, ठीक है, जिस 5000 करोड़, ठीक है, तो 5000 करोड़ रुपए की रिफंडिंग की घोषणा की है। और इसमें सारा जो रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें आपको बता दें कि आप शाह इंडिया में फंसा पैसा लगभग 10 करोड़ लोगों का पैसा, ठीक है, वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पोर्टल लॉन्च किया है और सारे फंड पोर्टल के माध्यम से सारे की 4, ठीक है, ऑपरेटिव सोसाइटी के जो होते हैं उसे निवेश ही आवेदन कर सकते हैं। योजना में निवेश करने वाले सारा क्रेडिट को सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, ठीक है, जो सोसाइटी भोपाल हमारा इंडिया क्रेडिट को, इसमें हैदराबाद कोलकाता, और इसमें 45 दिनों में पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो नियम है उसमें आपको 15 से 20 दिन का जो जैसे भी सारा इंडिया जो अधिकारी होता है उसका जितना भी यहाँ पर सबका प्रोसेस करता है, जितना जल्दी उतना ही जल्दी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें तो जिन भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए राहत की खबर है। आप वहाँ सभी लोग अपने पैसे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जल्द से जल्द उनका पैसा रिफंड कर सकती है, जिससे कि जिन लोगों का लग रहा था कि हमारा पैसा डूब गया है तो ऐसा आप नहीं है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर घर बैठे जितना भी आपका पैसा फंसा है वो पैसा आपको आवेदन करेंगे, उसके बाद 2 से 20 से 15 दिन बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो जब आपको कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और सारे रेट जो इंडिया में आप जमा करते थे उसका पर्ची या उसका पासबुक, ठीक है, उसका आपका रिसिप्ट मिला होगा। और दूसरा बात ये है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और आपका जो पासबुक है उसमें आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप सारा इंडिया जो रिफंड पोर्टल है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप यहाँ पर डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर सर्च कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर हिंदी भी में कर सकते हैं, इंग्लिश भी में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जिसे कि यहाँ पर जमा करता और जमा करता लॉग इन। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे इसकी प्रोसेस इसमें आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपके पहले यहाँ पर पंजीकरण कर चुके हैं तो लॉग इन कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आपको जमाकरण पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबका आधार नंबर अंतिम 4 अंक, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल थ्रू यहाँ पर अपना दर्ज कर लेते हैं, जब आप यहाँ पर ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी का, और ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर सबका जमाकर्ता का सभी डिटेल आपको फिल करना होगा, और आप कुछ डॉक्यूमेंट लॉगिन जैसे आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर सबका सभी डिटेल चेक करेगा, चेक करने के बाद आपका जितना भी यहाँ पर पैसा है
अपर फंड हो जाएगा। ठीक है, तो आवेदन इस तरह से आपको जमा करता है, यहाँ पर पंजीकरण है और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है जो अभी यहाँ पर जो प्रोसीजर है, यहाँ पर देख सकते हैं नए पोर्टल लॉन्च हुए हैं। जब तक कि नए पोर्टल यहाँ पर 3 से 4 दिन यहाँ पर क्या होता है, सर्वर में इशू रहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पर नए नए जो वेबसाइट लॉन्च होता है इसमें आपको प्रॉब्लम ये आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर घूमते रहे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगा कैसे आवेदन करना है और पूरे तरीके से अपलोड कैसे करना है। ठीक, तो ये दोस्तों और